ये बात समझ में नहीं आती कि 32 वर्ष के अब्बास कुर्बानी दे गए करबला में, ये छोटे छोटे बच्चों को अब्बास से क्या मोहब्बत है। इस मोहब्बत का पता लगाओ कि इतना सा बच्चा भी अलम लेके आया है। इतने इतने से बच्चे अलम लिए आ जाते, ये मोहब्बत कहां से आई है अब्बास की। ये अब्बास का छोटा बेटा हुसैनियों के बच्चों में मोहब्बत भर के गया है। बहरुल उलूम इराक के मशहूर आलिम, उनका भी 5 साल का बच्चा था छोटा सा, रोज रोज है अब्बास पे नमाज के ना सुबह को आते और मजलिस पढ़ते, फिर कब्र की ज़ियारत करते, दो जुमले आखिरी और उसके बाद मातम और अलम बरामद होगा। एक दिन छोटे बच्चे ने बाप से पूछा का बाबा आपने हमेशा मजलिस में ये पढ़ा कि अब्बास अमदार गाजी अब्बास बलन कद थे, बलन कामत के थे, हमेशा आपने पढ़ा, लेकिन मैं दरी में देखता हूं ताबूत बहुत छोटा है, लंबा क्यों नहीं है ताबूत। तो बहरुल उलूम ने सीना पीटा, मातम किया, रोते रोते बेहोश हो गए। जब होश में आए तो बेटे को गोद में लगा, देते सुनो मेरे बच्चे, ताबूत इसलिए छोटा है कि जब हुसैन अली अकबर के साथ फुरात पर आए, अली अकबर ने अलम उठाया, मस्क उठाई, हुसैन कहने लगे कमर मेरी टूट गई, अली अकबर ने हुसैन को संभाला, खैमे की तरफ लेकर आए। जब अली अकबर और हुसैन फुरात से वापस आ गए तो तमाम हसिया ने लाश अब्बास को चारों तरफ से घेरा और तलवारें निकाली और अब्बास के लाशे के टुकड़े। नमश्क आई न पानी आया, फुरात से दरिया से अलम खूह में भरा गया है, अब्बास ना आए, अब्बास ना आए, दरिया से अलम खूह में भरा प्यासों के दिल टूटे, जब आया अलम खाली सब प्यासों के दिल टूटे, शबीर कमर थामे हुए खेमों में आए, दरिया को गए थे वो, लो बढ़ने लगे शामे गरीबां के भी साए, अब्बास ना आए, दरिया
مصیبت ہے یہ کیسی قیامت ہے یہ کیسی مصیبت ہے یہ کیسی قیامت ہے تنہا علی اکبر کی پدر لاش اٹھائے سکینہ کی دیدیا کی طرف نظریں جاتی ہے سکینہ کی جو آگ ہے دامن میں اسے کون بجھائے کہتی تھی سنتی ہے ردا بھیا اس فوج یزیدی سے کوئی آ کے بچائے جس کو بازو پہ برادر کے بازار چلی بالوں سے وہ منہ چھپائے دیواروں کو تکتی ہے جو دیتے سہے دل پہ وہ سب کسے کو سنائے تماچے بھی لگائے
جب منزل اس وقت تھا خیمے میں سقلین عجب منزل اس وقت تھا خیمے میں شیخون میں ڈوبا جو علم خیمے ملائے